फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है मैथमेटिक्स से संबंधित। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगी। एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज तो मिलेगी। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, इन केस अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप हो सके तो इस नॉलेज को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बच्चों में जरूर शेयर करिएगा। तो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा लाइन्स के जरिए, आप कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो मैं आपको सिखाता हूँ, फिलहाल मेरे को पेन डिजाइज तो नहीं है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। आप आइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट सी, आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ये देखिए मैं पेपर पेन यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए 11 से, है तो सिंपल इक्वेशन, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिंपली जैसे दो है एक है, तो पहले दो है तो ऐसे लाइन बना लीजिएगा, दो हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक कर लीजिएगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और फिलहाल जैसे आप यहाँ पे एक है तो एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, और जो लास्ट में एक और डिजिट है ना उसकी एक लाइन यहाँ डिजिट कर लीजिएगा। तो अब ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे क्रॉस देखी कितने, एक दो, एक दो, यहाँ पे दो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप देख रहे होंगे कि जैसे दो तो आप यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखिएगा कितने क्रॉस है, एक दो। अब इस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पे कितने क्रॉस है, एक, यानी टोटल में हो गए एक दो तीन, यहाँ पे आप तीन लिखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लास्ट वाला रह गया एक क्रॉस, तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, चाहे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 231 जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह, आप देखिएगा। और अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये देखिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल, कोई इजी सा ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 22 को मल्टीप्लाई करते हैं हम अराउंड, ये मान के चलो 14 से, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले वाला तो इजी था। अब यहाँ पे क्या है, दो दो, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले दो है, यहाँ पे एक लाइन खींच ली, दो लाइन खींच लीजिए इसकी, ठीक है। अब ये दो है, थोड़ा सा थोड़ी सी दूरी पे दो लाइनें और खींच लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं, अब एक, यहां पे एक लाइन खींच लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां पे क्या दिख रहा है, चार, यहां पे चार लाइन खींच लीजिए, एक दो तीन चार। अब सिंपल तरीके में अगर हम चलें, ये देखिए यहां पे कितने क्रॉस हैं, एक दो, यहां पे आप दो लिख लीजिए। अब यहां पे क्रॉस मार्क चेक करिएगा, ये थोड़ा सा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पे एट क्रॉस हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे दो हैं, एक दो। अब माना आप लग रहा होगा टिंकू भैया कि आप यहाँ पे जो हैं टोटल 10 क्रॉस हैं, तो हमें करना कुछ नहीं है। ये देखिए ये जो जीरो आएगा यहाँ पे प्लस एक की जो वैल्यू है ना यहाँ पे आ जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब ये हो गया, अब जीरो हो गया। अब यहां पे देखिए कितने क्रॉस मार्क बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमने यहां पे कैरी फॉरवर्ड किया है, यहां पे जो ऊपर की जो वैल्यू थी दो, अब उसका इसको प्लस कर देंगे, यानी कि थ्री। अब ये जीरो का जीरो रहेगा और ये जो एट है ये आठ रहेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 22 को 14 से, इसका आंसर निकलेगा 308। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे 231 आ रहा था क्योंकि एक दो तीन, अगर यहाँ पे मान लो 12 आता तो दो इधर होता और एक वैल्यू वहां प्लस हो जाती। तो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा। चलो मैं आपको, अब ये तो सिंपल सा मान लेते हैं, अब मैं अगली इक्वेशन लेता हूं। चलो एक थोड़ा एग्जांपल और लेता हूं, सो दैट आपकी नॉलेज के लिए, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अब लेते हैं हम 22 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ आप वैल्यू सोचते हैं इसमें, हम क्या ले, हम इस पे हम वैल्यू ले लेते हैं 13 की ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। अब एक दो, अब जैसे पहले की जो वैल्यू है दो है, आपको अच्छी तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां लाइन ड्रॉ करिए, एक दो, अब ये दो है ना, अब थोड़ी सी दूरी में एक दो, अब ये 13 आ रहा है, ठीक है। अब यानी कि पहली लाइन है यहां पे एक होगी, अगली जो तीन लाइनें यहां आएंगी एक दो तीन,
अब यहां पे कितने क्रॉस मार्क आ रहे हैं, एक दो, ये देखिए एक दो, यहां पे दो लिख लीजिए। अब यहां पे देखेंगे कितने क्रॉस बनते हैं, एक एक दो तीन चार पांच छ सात और एक यहां पे आठ, यानी कि अगर हम इसकी बात करें ये अपने हो गए छह और दो मिला के आठ, और यहां पे देखो एक दो तीन चार पांच छ, यहां बन गया छ। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू बनती है 286, यानी कि दो ऊपर का ले लिया फिर आठ और छह। आप बताइएगा कि आपके लिए मैंने जो वीडियो बनाया वो कैसे लगा, और अब एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। चलिए फ्रेंड अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपने सिंपल तो सिंपल फॉर्मेट में तो देख लिया, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इजी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कराने की कोशिश करता हूं। अब ये देखिए 321 मल्टीप्लाई बाय 123, अब इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करने लगे विदाउट एनी कैलकुलेटर तो ये टाइम कंज्यूम कर लेगा। अब इस सिचुएशन के लिए हमें करना कुछ नहीं है, ये देखिए इसकी जो लाइन है ना ऊपर से ड्रॉ करनी है हमने, एक दो तीन, ठीक है। अब उसके बाद क्या डिजिट है, दो डिजिट है। अब ये देखिए एक दो, अब उसके बाद क्या लिखा है नंबर वन, यहां पे एक। अब ये देखिए तीन यहां लिख लिए, इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली, दो लाइन यहां ड्रॉ कर ली एक। अब यहां पे वैल्यू क्या लिखी है वन, यहां पे आप ऐसे कर लीजिएगा एक। अभी क्या है दो आ रही है ना बीच में, आप दो लाइन ऐसे खींच लीजिए। अब ये तीन आ रही है तो यहां पे आपको तीन लाइन ऐसे खींचनी है, एक दो तीन, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे कितने क्रॉस आ रहे हैं, एक दो तीन, तो यहां की वैल्यू होगी तीन, इसको आप ऐसे कर सकते हैं नंबर तीन। अब यहां पे कितने क्रॉस आ रहे हैं, ये देखिए एक दो तीन चार पांच छः, और इसको आपने करना क्या, ये देखिए सात आठ, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, ये यहां पे एट की वैल्यू लिख लेनी है आपने। अगर मैं अगली बात करूं, अब इस पोर्शन में आप देखेंगे जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे कितने क्रॉस हैं, एक दो तीन, दोबारा से देखिएगा इसमें कितने हैं, एक दो तीन, तो यहां पे आपको तीन लिखना है, ये ऐसे हो जाएगा। अब रहा सवाल यहां पे देखिए, अब अगला जो पोर्शन है हमें करना क्या, ये देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, यहां पे लिख देना है हमें आठ। अब ये आपने बात नोट किया होगा, ये अब ये जो पोर्शन है ना हमें इसको इकट्ठा कैलकुलेट करना है एक साथ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है। अब यहां पे अब चौदह आ रहा है, अब फोर्टीन आ रहा है, यानी कि फोर। अब एक की जो वैल्यू है ना यहां पे प्लस हो जाएगी, ये देखिए। अब यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तीन नंबर ये रहा तीन, आठ प्लस एक कितना हुआ, एट प्लस वन कितना हुआ नाइन, फोर एट थ्री। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं थ्री टू वन को मल्टीप्लाई बाय वन टू थ्री को, तो उसका जो आंसर निकलेगा 39483। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी वो डेफिनेटली आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको इसकी नॉलेज है तो अच्छी बात है। अगर आपको सपोज करो अगर आपने सीखा है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में नॉलेज जरूर शेयर करिएगा, अपने बच्चों को ये नॉलेज जरूर शेयर करिएगा। और आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।